दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना दीवाना दीवाना। चश्मे को क्या हो गया बताइए सर। कोकले के बच्चे साफ करो। सर अबे थूक रहा है मेरे चश्मे पर। मैं तेरे मुंह पे ठुकूंगा। लेकिन मैंने ऐसे क्या किया है गोखले? क्या है कि तुमने पिछले दिनों आदिवासी इलाके में जो प्रचार किया था हमारे दवाइयों का, हाँ। वो दवाइयां बहुत बिकी है वहाँ पर, इससे खुश होकर कंपनी तुम्हें प्रमोशन देना चाहती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या करें, क्या करें? पैर छू रहा हूँ सर, आशीर्वाद दीजिए। देखो लेकिन तुम्हारे प्रमोशन के लिए एक शर्त है। क्या सर? तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम एक शरीफ आदमी हो। लेकिन सर प्रमोशन से शराफत का क्या ताल्लुक है? क्या है बेटी कि जहाँ तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है ना प्रमोशन में, वहाँ पर लड़कियाँ ही लड़कियाँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन उसमें साबित करने की क्या जरूरत है? अरे आजकल तो मैं किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। हाँ, औरत अगर खूबसूरत हो तो मैं सिर्फ हरिओम कहता हूँ। सर ये पेपर पर साइन कर दीजिए। हरिओम। कैसी हो लक्ष्मी? ठीक हो केशव जी? अच्छी लग रही, अच्छी लग रही। बाय ब्यूटीफुल। ये तुम्हारी शराफत के लक्षण है। सर शरीफ आदमी हमेशा खूबसूरत औरतों की तारीफ करते हैं। मुझे कभी तारीफ करते हुए देखा है क्या? सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, शरीफ आदमी की बात कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी सर, सॉरी, पूरे भी माफ कर दीजिए सर, क्या कीजिए सर, क्या प्लीज प्लीज। देखो गोखले, देखो गोखले, इस भिकमंगे पर पूरी नजर रखो। इसकी शराफत की तसल्ली होने के बाद ही इसे प्रमोशन दिया जाएगा। ओके सॉरी सर, सॉरी। अब मैं जाऊँ सर? सर आज भाभी जी नहीं आई। तुझे भाभी जी से क्या मतलब है? सॉरी अबे सर, अबे अच्छा मेरी बीवी से क्या मतलब है? सॉरी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर सर सर, अरे अरे भाई क्यों भाई, आप भिख मंगे, आर भिख मंगा बैगर। क्या बात है, क्या बात है, इतनी अच्छी किताब, इतना अच्छा मैगजीन इस घर में कौन लेकर आया? ये कौन ऐसी किताब लेकर आता? यहाँ टेबल पर, डिनर टेबल पर रखने की क्या जरूरत है? पता है आजकल चिंटू को ब्रेकफास्ट करते वक्त ये पढ़ने की आदत हो गई है। तुम बैठो, तुम पेपर पढ़ लो, ये लो। क्या बात है केशु? केशु एकदम बदल गए हो। क्या मतलब? मतलब जरा शरीफ लगने लगे हो। तो क्या पहले मैं शरीफ नहीं लग रहा था? नहीं नहीं, कम से कम दिखावा तो नहीं करते थे। क्या भक्ति हो, पिछले 4 दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, अलग अलग वक्त, अलग अलग एंगल से। तुम पहले के केशव कुलकर्णी नहीं रहे। वो कैसे मालूम हुआ तुम्हें? क्योंकि कल पहली बार शॉपिंग करते वक्त तुमने उस सेल्स गर्ल को घूर घूर के नहीं देखा। वो के शरीफ आदमी लड़कियों को घूर घूर के नहीं देखा करते। अच्छा हाँ, अब आईने में से देख रहे थे, वो बात अलग है। क्या बकवास करती हो तुम? अरे तुम तो मेरा प्रमोशन रुकवा दोगी। प्रमोशन? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हें मुझे एक शरीफ आदमी की तरह पेश करना है, मुझे प्रोजेक्ट करना है। मैं तो सब संभालूंगी, लेकिन तुम अपनी प्रेमा से संभल के रहना। हाँ ठीक है ठीक है। प्रेमा जी का फोन। देखती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। प्रेमा जी, प्रेमा जी, टुकड़े हो गए हजारों। Come here. क्या है डॉल? वो देखो, क्या कुछ है? तुलसी की पूजा कर रहे हैं। तुलसी? डॉल वो तो कैक्टस है। जो भी है, लगता है शरीफ हो गए, इधर देख भी नहीं रहे हैं। चलो शरीफ हो गया तो अच्छा है, आज से हमारे मोहल्ले की औरतें सेफ हो जाएंगी। तुम हाथ बताओ। यू आर माई वाइफ, अंडरस्टैंड? तुलसी
केशव क्या पूजा कर रहा है, सुधर गया? ओए क्या बीवी ने धोपटा क्या तेरी तो? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरी नजर में चक्कर बालकनी में गए थे ना? नहीं कोकी, मैं तो पूजा करने गया था, तुलसी की पूजा करने के लिए। अच्छा, किसके आंगन के तुलसी की पूजा करने गए थे? चुप करो, हमारी बालकनी में सिर्फ कैक्टस है। अच्छा तो वो कैक्टस था? सुनो, तुम्हारे किसी महाराजा का फोन था। महाराजा का? अब ये कौन नया महाराजा है? बहुत खुश था तुमसे, तुम्हें तोहफा भेजना चाहता है, एड्रेस पे ले लिया। कोकी अब याद आया कोकी तुम्हें, एक बार मैं चेरापूंजी के जंगलों में गया था हमारी कंपनी की दवाइयों के प्रचार के लिए। उस वक्त ये महाराजा मुझे मिले थे, बुलबुल बाबा, वो आदिवासी महाराज है। जब मैं जंगलों में गया था ना, उस वक्त ये बाबा बीमार पड़े थे, मरने की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, हमारी कंपनी की दवाई उसे खिला दी और महाराज ठीक हो गए। तुम्हारी कंपनी की दवाई से? आप देखो ना मैंने क्या किया, मेरे पास जितने भी सैंपल्स थे उसमें से एक एक गोली निकाली और महाराज वो बाबा के मुंह में ठोस दी और वो ठीक हो गए। ठीक हो गए क्या बात है केशव, भगवान ने उन्हें ठीक किया है और तोहफा तुम ले रहे हो। जो कुछ भी हो कुकी, वो तोहफा भेजे तो ले लेना, अगर हम नहीं लेंगे तो महाराज को बुरा लग जाएगा, समझी? ठीक है ठीक है, लेकिन मैं घर में रहूंगी तो ही ले सकती हूँ। क्या मतलब? नहीं, मैंने सोचा जिंदगी में पहली बार इतने सालों के बाद तुम शरीफ बन ही गए हो। हाँ। तो मैं जरा थोड़े दिनों के लिए कहीं होकर आती हूँ। होकर आती हूँ? हाँ, थोड़े दिनों के लिए। लेकिन कोकी, हाँ? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा? शराफत से। सुनिए, एक्सक्यूज मी, देखिए भाई साहब, हमारी बिल्डिंग में चोर डाकू और पॉलिटिशियन लोग अलाउड नहीं है। हम चोर डाकू और पॉलिटिशियन नहीं है, हम शरीफ आदमी है, हम कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। हाँ तो पूछो ताछो। ये बताओ कि केशव कुलकर्णी नाम के कोई सज्जन इस बिल्डिंग में रहते हैं? रहता तो है, लेकिन सज्जन है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ अलबत्ता उनकी जो बीवी है वो सज्जनी है, अभी यहाँ पर है नहीं, मायके गई है, वहाँ का नंबर है 840। हमें कोई फोन नंबर नहीं चाहिए, हमें केशव कुलकर्णी के बारे में जानकारी चाहिए। सांगरे, दरअसल बात यह है कि उन्होंने हमारे महाराज की जान बचाई थी, इसीलिए हमारे महाराज उन्हें तोहफा देना चाहते हैं। इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं कि केशव कुलकर्णी को क्या अच्छा लगता है, उसकी पसंदीदा चीज कौन सी है? औरतें। औरतें? हाँ, आपको पता नहीं है केशव कुलकर्णी एक नंबर का टुच्चा रंगीला आदमी है। ये राम्या, ये रंगीला म्हणजे काय रे? रंगीला म्हणजे आपल्या भाषेत एक लंबरचा चालू माणूस। मनुष मनुष, ये आप क्या बोल रहे हैं? मनुष मतलब, हम ये जानकर अच्छा लगा कि केशव कुलकर्णी एक अच्छा आदमी है। अच्छा 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 होगा, लेकिन उसको औरतें बड़ी अच्छी लगती हैं। काली या गोरी? काली, गोरी, लाल, पीली, हरी, नीली, ग्रे, ब्राउन, कैसे भी। केशव कुलकर्णी आपल्या महाराजांपेक्षा लय लंपट दिसतो रे। असं तर भिन्या, दोन तीन कंडम पोरे त्याच्या गळ्यात बांधून टाक। टाक टाक, या क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि आप बड़े अच्छे आदमी है, टाक गुड, मतलब हमारे जबान में उसको बोलते हैं टाक। अच्छा, टाक मींस गुड, यू मीन आई एम अ टाक बॉय? यस, यू आर अ टाक बॉय। चलो तोहफा लेकर आते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आई कि ये केकड़े को तोहफा किस बात के लिए मिल रहा है। अरे आ रहा हूं, ये कौन बदतमीज ऐसे दरवाजा खटखटा रहा है? अरे खोलो इडियट! कौन हो तुम और क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हम ही आपको कुछ देने आए हैं। लेकिन तुम हो कौन? अरे भूल गए, मैं जंगल के महाराज बुलबुल बाबा का स्पेशल बॉडीगार्ड बीमा। अरे अच्छा, बुलबुल बाबा। अच्छा बीमा, तुम्ही ने फोन किया था, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज ने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा है। अच्छा, कहाँ है वो तोहफा? रंभा, आज से ये तुम्हारे पतिदेव। देखो मिस्टर, मिस्टर नहीं भीमा मेरा नाम है। अरे तुम्हारा नाम भीमा हो या दुर्योधन, और मुझे क्या फर्क पड़ता है? देखो ये सारी लड़कियां मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। नहीं नहीं, अभी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे महाराज ने आपको तोहफा भेजा है, अगर उनका तोहफा आपने इनकार किए तो उनका अपमान होगा, और अगर उनका अपमान होगा तो पता है क्या सजा होगी? क्या सजा? सजा है मौत। ठीक है भीमा, मुझे ये तोहफा कबूल है। रंभा, उर्वशी, मेनका, सेवा करो। एक
देव, देव जल्दी बाहर आओ। क्या है डॉल? केको जी के बालकनी में अभी भी एक लड़की थी। लड़की थी? हाँ। अरे कोकी जी होंगी। कोकी जी अगर कोकी जी लड़की है ना तो मैं एक स्वीट स्मॉल बेबी हूँ। लेकिन डॉल केकड़े के घर में लड़की कहाँ से आएगी? वो देखो ना, फिर आगे आगे आगे। Oh my God, ये तो किसी आर्ट फिल्म की हीरोइन लगती है। लेकिन देव ये तो दूसरी लड़की है। क्या मतलब? जो पहले आई थी वो डिफरेंट थी। तुम्हारा मतलब इस वक्त उसके घर में दो लड़कियाँ हैं? तीन। तीन? हाँ। अच्छा कोकी जी को मिला के तीन हो गई ना। Shut up देव, कोकी जी को मिला के नहीं। हाँ। ये देखो ना तीसरी लड़की आई है अब। अच्छा समझ गया। क्या लगता है गांव से इसके रिश्तेदार आए हैं? केकू जी के रिश्तेदार? जंगली? यू मीन टू से केकू जी से जंगली? डॉल क्या है कि शहर में रहकर किसी की बैकग्राउंड का पता नहीं चलता है ना। मैं तो कब से कह रहा हूँ ही इज अ वाइल्ड एनिमल एट लार्ज। समझ गया। क्या? समझ गया, एक जंगली महाराज केकू को तोहफा देने के चक्कर में था। लगता है ये तीनों लड़कियां गिफ्ट हैम्पर में आई हैं। तीन तीन जंगली लड़कियां केकू जी के पास? What is कोकी जी going to say? भीमा! उमर केशव प्रताप सिंह। उमर केशव प्रताप सिंह, आपने अच्छा नहीं किया। क्या? आपने अपने तीनों बीवियों को कमरे के बाहर रखा। बीमा मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मुझे तीन तीन बीवियां नहीं चाहिए। अरे तीन तीन बीवियों को रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। आपने खोपड़ी किसकी है? आप जैसे एक शरीफ इंसान की। इसने महाराज का तोहफा लेने से इनकार किया था। अच्छा? यही कहकर कि मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं। कौन सा तोहफा था? महाराज ने उसे तीन हाथी दिए थे। बीमा मेरे बाप, मुझे तीन नहीं 10 हाथी दे दो। मुंबई शहर में हाथियों को पालना आसान है, लेकिन तीन तीन बीवियों को पालना बड़ा मुश्किल है। वो मैं नहीं जानता, ये महाराज का हुक्म है। अगर आपने इनकार किया तो। समझ गया समझ गया। ये लो, क्या आज से ये कपड़े पहनो। अच्छा, कुंवर केशव प्रताप सिंह। हेलो कोकी जी, मैं आपका दिल बोल रहा हूँ। बोलिए दिलरुबा जी, क्या काम है? आप एक काम कीजिए, जल्दी से यहाँ आ जाइए। कैसे पागल हो जैसी बातें करते हैं आप? जरा मेरे केशी को देखिए, कैसा शरीफ बन गया है। उसका आदर्श रखिए सामने। अच्छा, अरे उनसे कंपटीशन करने के लिए तो मुझे तीन तीन लड़कियाँ घर में ला के रखनी पड़ेंगी। क्या? हाँ। तीन तीन लड़कियाँ? अरे क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो, ऐसे तो मेरा हाथ निकल जाएगा। छोड़ो, कोई ऐसे मसाज करता है क्या? माफ कीजिए सरकार। आहिस्ता आहिस्ता करो रंभा। जी सरकार। मेनका कहा है? वो मिर्च का पानी गर्म कर रही है। मिर्ची का पानी? लेकिन क्यों? आपको नहलाने के लिए सरकार। नहलाने के लिए? इडियट, कोई मिर्ची के पानी से नहाता है क्या? क्यों नहीं, हमारे भीमा का तंदुरुस्ती का रस वही तो है। भीमा सांड कहीं का। नाथ, आज आप क्या खाएंगे? तुम क्या खिलाओगी? जो आप कहेंगे। गाजर का हलवा खिला सकती हो? गाजर का हलवा? हाँ? वो हमारे यहाँ नहीं बनता। नहीं तो आपके यहाँ कौन सा हलवा बनता है? चूहे का हलवा। चूहे का हलवा? मैं खोलती हूँ। अरे मैं खोलती हूँ, मैं खोलती हूँ। अरे मैं खोलती हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, मैं खोलता हूँ। केकू जी, आपने अपने कपड़े क्यों उतार लिए हैं? जी मैंने नहीं उतारा, इन सब ने मिलकर, प्रेमा जी इन सब ने मिलकर मेरे कपड़े उतरवा लिए। प्रेमा जी ये दोनों लड़कियां हैं कौन? अरे ये लड़कियां मेरे साथ जबरदस्ती। ये आपके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती है? आप तो मर्द हैं। एंड एक्सक्यूज मी केकू जी, लगता है आपने यहाँ जनान खाना खोल लिया है। दो लड़कियां? नहीं एक और भी है, तीसरी भी है, किचन में है, मेरे लिए मिर्ची का पानी गर्म कर रही है। 1733? ये क्या होता है? 1 7 3 3? Oh God! केकू जी,
Enjoy yourself. ठीक है प्रेमा जी, अगर आप कहती हैं तो enjoy कर लूँगा। केकू जी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। कहिए प्रेमा जी। आइंदा आपको बालकनी में आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेमा जी, प्रेमा जी, चल प्रेमा जी, पकड़ो पकड़ो उसे। चल प्रेमा जी, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। प्रेमा जी, प्रेमा जी। क्या कहा दिलबा जी? केशव तीन तीन बीबियां रखे हुए हैं। मैं जानता था कि केशव का बच्चा कभी भी शरीफ आदमी नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू। गोखले इधर आओ। आता हूँ सर। अरे अभी आओ। आ गया। जानते हो तुम्हारा वो दोस्त कुलकर्णी है ना, थर्ड क्लास, तीन तीन बीबियां रखे हुए हैं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे दिलरुबा का फोन अभी आया था। अरे दिलरुबा तो ये बोलेगा ही, वो तो केशव का दुश्मन है। अच्छा मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और उसे तीन तीन बीबियां रखने के जुर्म में गिरफ्तार करवाता हूँ। लेकिन सर इसमें तो केशव की बदनामी होगी। मैं चाहता हूँ कि बदनाम हो ताकि उसका प्रमोशन रुक जाए। हेलो पुलिस स्टेशन, हेलो सेक्रेटरी जी, मेनका कहाँ है? वो आपकी तंदुरुस्ती के लिए खास सूप बनाने के लिए गई है। अच्छा, कुत्ते का सूप? कुत्ते का सूप जी। हेलो हेलो, कौन? मैं भीमा बोल रहा हूँ। कौन भीमा? मैं सेक्रेटरी टू कुंवर केशव प्रताप सिंह। कुंवर प्रताप सिंह? अच्छा कुंवर साहब है? हाँ है। होल्ड करो कुंवर साहब, आपका फोन लाओ। हेलो कुंवर केशव प्रताप सिंह स्पीकिंग। हेलो केशव, केशव मैं गोखले बोल रहा हूँ। गोखले मेरे दोस्त, अरे मेरा घर तो जनान खाना बन गया है दोस्त। यार ये मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे जंगल से तीन तीन बीवियां मुझे गिफ्ट में मिली है और साथ में एक सांड भी आया है। सुनी आवाज? सुनी गोखले? अरे तब तो तू बड़ा खुश होगा यार। अरे काहे का खुश गोखले, पहले दो तीन दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तीनों बीवियों ने मिलकर मेरी खूब सेवा की। लेकिन अभी तीनों मिलकर मेरी हड्डी फंस लिया, एक कर रही, क्या कर रही हो? और ये सांड ये खड़े खड़े मजा ले रहा है। सुनी आवाज? सुनी गोखले? अरे हाँ केशव, तेरी ये तीन बीवियों वाली बात शर्मा साहब को पता चल गई है। क्या? और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की है। नहीं नहीं गोखले नहीं। शर्मा साहब तुम्हारी शराफत का भांडा ऑफिशियली फोड़ना चाहते हैं, किसी भी वक्त तुम्हारे घर में पुलिस आ सकती है। अच्छा ठीक है गोखले, फोन रखो फोन रखो। सेक्रेटरी जी, इसी वक्त तुम तीनों अंदर चले जाओ। नहीं। अरे क्या नहीं, ओ मेरी प्यारी बीवी, तुम सबको विधवा होना है क्या? नहीं ना। नहीं ना तो जाओ ना मेरी माता, अंदर जाओ ना, जाओ। सेक्रेटरी जी, देखो किसी भी वक्त यहाँ पुलिस आ सकती है जी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर चले जाओ जी। और जैसे मैं कोकी करके चिल्लाओ तुम घूंघट निकाल के बाहर चलिए। तो मैं हाँ? अरे मैं कैसे औरत बन के आ सकता हूँ, क्या बात कर रहे हो? अरे एक बार कहा औरत बन के आना पड़ेगा तुमको, समझा क्या? जी सर, मैं यह मिस्टर केशव कुलकर्णी कौन है? यस आई एम कुंवर केशव प्रताप कुलकर्णी सिंह। अच्छा यस yes. क्या आप अपने घर में ऐसे ही कपड़े पहन के घूमते हैं? नहीं वो क्या है इंस्पेक्टर, गर्मी के दिन चल रहे हैं ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसलिए ऐसे आइए गले में। दूर रहो दूर रहो। अच्छा मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? मुझे खबर मिली है कि आपने अपने घर में तीन लड़कियों को रखा है। नहीं देखिए इंस्पेक्टर, वैसे तो मैं शरीफ आदमी हूँ। अच्छा लेकिन वो क्या है कि ये कौन हंसा? ये मेरी बीवी की हंसने की आवाज है। लेकिन यहाँ तो दो तीन लड़कियों की हंसने की आवाज आ रही है। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? नहीं वो क्या है इंस्पेक्टर, मेरी बीवी के साथ उसकी सहेलियां भी है ना। अच्छा जरा बुलाएंगे उन्हें? बुलाएंगे, हाँ बुलाएंगे, क्यों नहीं। महारानी, कोकी रानी, माय वाइफ कोकी रानी जी, देखो तो कौन आया है। कौन है? इंस्पेक्टर साहब आए हैं। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। लेकिन आपने अपने चेहरे पर एक घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? अब अब हल्दी का लेप लगाया है ना। आपकी आवाज को क्या हो गया? हल्दी का दूध पिया है ना। क्या आप अपनी सहेलियों को बुलाएंगी? हाँ। जी बुलाती हूँ जल्दी। हल्दियों मेरा मतलब सहेलियों, रंभा उर्वशी मेनका आओ। ये देखो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा केशव कुलकर्णी, कुंवर केशव कुलकर्णी सिंह कहो। सॉरी सॉरी, आज आप बच गए अपनी बीवी की वजह से, वरना आपकी तो हो गया। जाओ 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 जाओ। इंस्पेक्टर
ये क्या हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक सॉलिड खबरी है दिलरुबा, उसने शर्मा जी को बताया था कि इस आदमी ने तीन तीन शादियां की है, तीन तीन। इसने? हाँ। नहीं नहीं, ये तो शरीफ आदमी है। मुझे भी यकीन हो गया है। एनीवे मैं चलता हूँ। जाइए जाइए। केशु। यस कोकी। केशु, ये तुम्हारी शराफत है? लेकिन मेरी बात तो सुनो कोकी। कौन है ये लड़कियाँ? ये तीनों इनकी बीवियाँ हैं। तुम कौन हो? मैं भीमा हूँ, मेरा सेक्रेटरी। जी हाँ, हमारे महाराज बुलबुल बाबा ने अपनी तीन खास बीवियाँ इनके लिए तोहफे में भेजी है। इनके लिए? तुम्हारा बुलबुल बेवकूफ है। क्या? मेरा मतलब ये है कि ये आदमी एक बीवी नहीं मेंटेन कर सकता, तो तीन तीन बीवियां क्या मेंटेन करेगा? लेकिन आपके एक पड़ोसी ने हमें बताया कि इनको औरतें पसंद है। पड़ोसी ने? इसका मतलब ये सब दिलरुबा के बच्चे ने किया है। चलो चलो खिसको यहाँ से और इन तीनों को भी लेकर जाओ। नहीं, ये यही रहेंगी, हमारे महाराजा के ऑर्डर है। ये यहाँ नहीं रह सकती, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, फिर आप अब इनको कहीं ट्रांसफर कर सकती है? ट्रांसफर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? भीमा, तुम एक काम करा, यहाँ तिगान ला, गिफ्ट रैप में पैक करा। आप क्या बोल रहे हैं? I'm sorry, भीमा, इन तीनों को एक गिफ्ट रैप में पैक करो और दिलरुबा के यहाँ भेज दो। जी सरकार। ओके। चलो। रंभा, उर्वशी, मेनका, चलो। आउट। आउट। केशी। सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? भेज दिया। कपड़े पहन। कपड़े बदलो। बदलता हूँ, बदलता हूँ। आप कौन? मैं भीमा। भीमा? कौन भीमा? भूल गए? बुलबुल बाबा का सरदार भीमा। ओ भीमा जी। मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। तोहफा? रंभा, उर्वशी, मेनका, आज से ये तुम्हारे पति देव है।